राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के सामने एक पोस्टर लगा हुआ है और जिसमें रामायण के कुछ दोहा अंकित की गई है, जिसको लेकर एक बार फिर से विवाद हो रहा है और यह विवाद बढ़ता ही जा रहा है। कुछ दिन पहले राष्ट्रीय जनता दल शिक्षा मंत्री ने जब से रामायण पर दिया है तब से विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। ये पोस्टर लगाया गया है, पोस्टर, ये पोस्टर राष्ट्रीय जनता दल का पोस्टर पर लाइनों से आहत लोगों ने पोस्टर लगाई, पोस्टर अगल बगल बहुत से लगे हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल का जो कार्यालय है उससे अलग है, ये जुडिशरी का है, उस पर हमारा कोई अपना अधिकार नहीं हो सकता। लेकिन ये राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश कार्यालय, प्रदेश कार्यालय के बाहर इस तरह का पोस्टर लगना, तो आप लोग पोस्टर जो लगाया है उनकी भावना है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि धर्मों में हमारी आस्था है, धर्म की धार्मिक पुस्तकों में मेरी आस्था है, लेकिन कुछ चीजें जहाँ मानव मूल्यों को विखंडित करता है, मानव मानव में घृणा फैलाता है, मानव को निज दृष्टि से देखा जाता है, वह ईश्वर का वचन नहीं हो सकता। वह ईश्वर उसको ईश्वर को स्वीकार नहीं। पोस्टर में जो बातें लिखी गई है उससे आप सहमत हैं या नहीं? एक बात कान खोल करके सुन लीजिए। अरे भैया, कोई भी चौपाई, कोई भी पंक्तियां मानव मूल्यों को अगर विखंडित करता हुआ दिखता है तो मानव को कैसे स्वीकार हो सकता है? नहीं सर, साफ साफ बताइए ना, पोस्टर में जो लिखा है उससे आप सहमत हैं या नहीं? अगर पोस्टर की लाइनें मानव मूल्यों को विखंडित करता है तो आपको भी स्वीकार नहीं होना चाहिए। आपकी जानकारी क्या कहती है, पोस्टर की लाइनें क्या कर रही है? पोस्टर की लाइनों में कई लाइन जो आप लोग बता रहे हैं, एक बात तो आप लोग जानिए नहीं, धर्म के कोई राजनीति होनी चाहिए, अधर्म को कभी राजनीति में लाना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई बहुयात वर्ग को पीड़ा हुई है और पीड़ा का प्रकटीकरण कोई कर रहा है तो उनका अपना विचार है, भाव है, राजा जाते में बांटा जा रहा है। अच्छा ये बताइए कि आपसे सेवा कराएंगे तो स्वर्गीय लोकनाथ से जाएगा, ये बांटना नहीं हुआ? तो सर डाउन करो यार लोग, ये बांटना हुआ कि नहीं हुआ? विभेद डाउन कर रहा है, विभेद तो कुछ हम तो एक लाइन में कहते हैं कि धर्म को राजनीति में